नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश इवनिंग बुलेटिन में आज आप कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में यूँ तो स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए खोल दिया गया है, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा SOP भी जारी की गई है, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं स्कूलों के लिए कि एक कमरे में एक कक्षा के केवल 50% बच्चे ही बैठ सकते हैं, बाकी के जो 50% बच्चे होंगे वो किसी दूसरे कमरे में बिठाए जाएंगे। यानी अगर एक कक्षा में 100 बच्चे हैं तो एक कमरा में 50 बच्चे बिठाए जाएंगे और 50 जो बच्चे होंगे वो अन्य कमरे में बिठाए जाएंगे। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जहाँ हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी चल रही है, क्योंकि हर एक स्कूल में अध्यापकों की कमी है, तो ऐसे में बच्चे जो है वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ये भी एक समझ से परे है। क्योंकि कोरोना तो इसी तरह से जारी रहेगा, परंतु बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो बात थी स्कूलों की। इसके अलावा सरकार की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र नेतृत्व है भाजपा का, वो हिमाचल प्रदेश में बदलाव के संकेत दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर भाजपा की बात करें तो अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि चुनाव से ठीक पहले जो है वो नेतृत्व को बदला गया है। चाहे वो उत्तराखंड की बात करें वहाँ तो बहुत कम समय में 2 बार मुख्यमंत्री को जो है वो बदला गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी 2 गुट भाजपा के भी बनते हुए आपको भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि अगले आने वाले 6 महीनों के बाद जो है वो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि प्रदेश कार्यक समिति की बैठक भी है 22 नवंबर तक, तो उसमें भी कुछ फैसले जो है वो लिए जाएंगे, कुछ चर्चा जो है वो की जाएगी, तो क्या कुछ इस पर रहेगा वो सब कुछ भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।